देखिए, मैं मानता हूं कि मैं जब भी फैसला करता हूं कोई फिल्म मुझे देखनी है कि नहीं देखनी, तो उसकी टाइटल से मुझे क्या पता चलता है उस फिल्म के बारे में, उस पर मैं डिसाइड करता हूं। और अगर उस टाइटल से मुझे कुछ भी पता ना चले कि ये फिल्म क्या होने वाली है, तो मेरी दिलचस्पी और बढ़ती है, मेरी उत्सुकता और बढ़ती है। तो मेरे ख्याल से ये टाइटल ऐसा है कि ऑडियंस की क्यूरियोसिटी को जगाएगा कि ये है क्या, चार्ली कौन है। एक्चुअली चार्ली कोई इंसान नहीं है, वो दूसरा ही एक रिलेशन है उसका। तो मेरे ख्याल से ये कामयाब टाइटल कहा जा सकता है। इट्स हू डन इट और इन्वेस्टिगेशन के प्रोसेस को दिखाया गया, जो कि काफ़ी एक अनयूजुअल चीज़ है हिंदी फिल्मों में। कभी भी नहीं दिखाते हिंदी फिल्मों में कि प्यार कैसे होता है, बस एक दिन हो जाता है हमेशा। और उसी तरह थ्रिलर्स भी जो बनाए जाते हैं उसमें जो इन्वेस्टिगेशन का प्रोसेस है उसके बारे में कभी ध्यान नहीं दी जाती, वो बस सॉल्व हो जाता है यूं ही। इसमें ख़ास बात यह है इस फिल्म में कि इन्वेस्टिगेशन के प्रोसेस को काफ़ी जो फिल्म का जो असली हिस्सा है वो उसके बारे में रियलिस्टिक। देखिए, रियलिस्टिक जो ये बड़ा ख़तरनाक टर्म है रियलिस्टिक, क्योंकि वेडनेसडे फिल्म को भी लोग रियलिस्टिक ही कहते हैं, हालांकि वो बिल्कुल रियलिस्टिक नहीं थी। जो सिचुएशन पेश किया गया था वेडनेसडे में, वो एक बहुत ही फैंटास्टिकल सिचुएशन था जो कभी हो नहीं सकता। तो इसी तरह से ये भी एक इमेजिनरी सिनेरियो है जो हो भी सकता है, नहीं भी हो सकता, लेकिन ट्रीटमेंट इसका ज़रूर एक एजी किस्म का थ्रिलर वाला ट्रीटमेंट है। आई हैवंट सीन तलवार, लेकिन मैं देखना चाह रहा हूँ, मैं देख नहीं पाया हूँ। लेकिन वो एक बहुत ही अलग फिल्म है, क्योंकि उसमें 3 या 4 अलग अलग नज़रिए पेश किए गए हैं। यह ऐसा मैंने सुना है कि राशोमन जैसी फिल्म है कि एक आदमी ये कहता है, दूसरा ये कहता है, तीसरा ये कहता है। चार्ली में ऐसा नहीं है, चार्ली की कहानी बहुत ही सीधी है। ये और बात है कि एक अजीब ही कॉम्प्लिकेटेड तरीके से बताई गई। और मेरे ख्याल से आप इन खूबसूरत लड़कियों से भी आप कुछ सवाल पूछ लें, क्योंकि नहीं मैं आजकल बॉलीवुड में एक चलन हो गया है सम्मान वापस करने का। उनमें शाह साहब ने भी आज सम्मान वापस किया है। किसने? उनमें शाह ने। हाँ, नहीं, मैं अपने सम्मान वापस नहीं करूंगा, क्योंकि मेरे लिए वो इतनी अहमियत नहीं रखते। लेकिन आपको कहीं ना कहीं आप सबसे इंडिया मैनियर भी हर लिहाज से, तजुर्बे से भी चार्ली की टक्कर के बर्बाद एक्टर ने फिल्म का हिस्सा कहीं ना कहीं फिल्म को उतना लोगों तक पहुंचाने की जिम्मेदारी आपने साधा। लेकिन आप ये बात मान रहे हैं? अगर ना मानता तो मैं यहाँ आज वो क्यों मौजूद है? देखिए, नहीं देखिए, एक कदर करने की बात होती है कि जितने लोगों ने इस फिल्म पे मेहनत की है उनकी मेहनत की मैं कदर करूं। हालांकि मेरा सिर्फ 3 दिन का काम था इस फिल्म में, लेकिन मैं पूरी तरह से इन्वॉल्व था, क्योंकि जितने लोग हैं इस फिल्म में इन्वॉल्व, उन सबको मैं चाहता हूं, उनको मैं जानता हूं। किसी हद तक कुछ मेरे स्टूडेंट्स भी रह चुके हैं, और मेरे दिल को बहुत छुआ इस बात ने कि इतने कम पैसे में, इतने मुश्किल हालात में ये लोग एक फिल्म बनाने की कोशिश कर रहे हैं, इसीलिए इनका साथ मैंने दिया। अब जहाँ तक आपके सवाल का प्रश्न का सवाल है, प्रमोशन से मुझे नहीं लगता कोई फिल्म कामयाब बन सकती है। एक कामयाब फिल्म को और ज़्यादा कामयाब बनाया जा सकता है प्रमोशन के जरिए, लेकिन कोई भी फिल्म अगर चलती है तो अपनी मेरिट पे चलती है, और मैं यही बात मानता हूँ। तो हो सकता है चार्ली के चक्कर में भी यही बात साबित होगी या नहीं होगी। सम्मान जो आजकल वापस हो रहा है, कहीं ना कहीं हो रहा है इंडस्ट्री में, या लोग परेशान हैं, ये मुझे नहीं मालूम। इतना मुझे ज़रूर मालूम है कि बहुत सारे लोग अपने सम्मान वापस नहीं करना चाह रहे हैं, क्योंकि उनको लगता है कि बड़ी मेहनत से वो कमाए गए हैं। मैं इस बात से बिल्कुल सहमत नहीं। मेरे लिए ये सम्मान कोई मान्य नहीं रखते, और इसीलिए इन्हें वापस करना भी मेरे लिए कोई मान्य नहीं रखता। टेलीविज़न पर भी उतनी ही फैंटास्टिकल और झूठी चीज़ें दिखाई जाती हैं जितनी हिंदी फिल्मों में। टेलीविज़न कहीं मेरे ख्याल से हमारे मुल्क में जिम्मेदारी अभी तक उन्होंने अपनाई नहीं है, ना खबरों को रिपोर्ट करने में, ना टेलीविज़न प्रोग्राम्स बनाने में और ना किसी भी चीज़ में। मेरे ख्याल से उसकी बहुत सख्त ज़रूरत है कि न्यूज़ रिपोर्टेज जो है वो सच्ची हो, उसको ट्विस्ट ना किया जाए जैसा कि अक्सर होता है, और जो टेलीविज़न सीरियल्स हैं वो किसी तरह प्रोग्रेसिव बने। ये सास बहू के किस्से हम कब तक सुनते रहेंगे? थैंक यू वेरी मच, थैंक यू वेरी मच। I'm very excited, to be honest. It's a film that was made with a lot more love and lot less money. The fact that it's releasing in 700 screens across India is a huge thing for this film. It's a film which has Naseeruddin Shah himself, and it has a lot of very talented actors, which you will hope, and I hope that you love them all. So very excited. A little bit about my character in this film. The character of this guy called Deepak, who's a struggling actor, comes to Bombay to make his dreams possible. His desperations are the ones that put him involved in Charlie Ka Chakkar Mein. Could you say how working with Deepak, like the legend, you can say? Naseer sir and I have done 3 films now with this film. I am his student as well. We do a lot of plays together. I've acted in his plays. My life could be defined by 2 events in my life: the acting that I did before meeting Naseeruddin Shah, and that life that I've been acting since. And it's been such a learning experience. Every time I meet him, every time I interact with him, I just keep learning. So he's a wonderful human being and a great acting coach. I'm expecting 100 crores, at least, if not 150. No, more importantly, I'm expecting that everybody who catches this film loves it, likes it. It's a film with a very complex thriller structure. And I think it takes a man like Manish Shrivastav, who's a genius, to get this all together. I hope you see this film and you like it, because it's one of the most beautifully written screenplays I've ever read. So hopefully you'll see the film and love it too. Thank you so much. Thank you. Yeah, just say something about your character in the film and like how exciting, like the visual screening of the film tomorrow, the audience will see the film. Okay. मेरा नाम दिशा अरोरा है. मैं हेरा का कैरेक्टर प्ले कर रही हूँ. हेरा का मतलब होता है गॉडेस ऑफ डिस्कॉर्ड, गॉडेस ऑफ वॉर. तो वो दिल्ली से आई हुई लड़की है, बॉम्बे आती है कुछ बनने के लिए, मॉडलिंग करने के लिए, फैशन करने के लिए, लेकिन ड्यू टू सम रीजंस शी गेट्स ट्रैप्ड एंड शी गेट्स इन्वॉल्व विद सम गैंगस्टर्स एंड यंगस्टर्स एंड सम पीपल, सम पॉलिटिकली डोमिनेंट पीपल. उस चक्कर में वो जो और कैरेक्टर्स हैं फिल्म में, उन सबकी लाइफ में आती है और उनको बहुत सारे चक्करों में घुमाती है, खुद घूमती है, और उसी के बारे में चार्ली के चक्कर में. तो मैं सबसे पहले तो मैं बहुत ग्रेटफुल और बहुत लकी फील करती हूँ कि मुझे मौका मिला नसीर साहब के साथ काम करने का. और नसीर साहब के साथ साथ इनफैक्ट हर एक एक्टर जो मेरी फिल्म में है, सबने मुझ पर विश्वास किया, सबने मेरे को बहुत हेल्प किया. बहुत टफ कैरेक्टर था, तो सबके साथ की वजह से इट वॉज माई फर्स्ट फिल्म, माई फर्स्ट सिनेमा एक्सपीरियंस, माई फर्स्ट कैमरा एक्सपीरियंस एक्चुअली. एंड आई थिंक आई एम रियली लकी टू गेट सच अ कैरेक्टर एंड टू हैव सच अमेजिंग टीम मेम्बर्स, सच अमेजिंग को एक्टर्स टू हैव सपोर्टेड मी, टू हैव बिलीव्ड इन मी एंड टू हैव हेल्प मी इन एवरी वे दैट दे कुड हैव. एंड मतलब मैं तो ऑन टॉप ऑफ द मून हूँ कि फिल्म रिलीज हो रही है. प्लीज सो आई थिंक द फैक्ट दैट इट वाज, जब मैंने स्क्रिप्ट पढ़ी थी तब I hadn't, when I was picturing everything that I was reading, I don't know if I've seen something like this in Bollywood or not. तो मुझे भी समझ नहीं आई थी शुरू में, क्योंकि बहुत कुछ चल रहा है फिल्म में, बहुत सारे थ्रिलिंग एक्सपीरियंसेस है कि मैं मुझे खुद समझने में बहुत टाइम लगा था. लेकिन जो मेरा कैरेक्टर है, आई थिंक फॉर एनी एक्ट्रेस टू गेट दैट कैरेक्टर इज़ अ ह्यूज चैलेंज. and I was just fortunate enough to get such a character क्योंकि वो character इतना strong है, इतना bold है, इसी same time में इतना weak है और क्या किस वजह से करती है वो कुछ समझ नहीं आता है। तो हाँ, दोनों बहुत हूँ एक साथ। I am really excited. I'm also very nervous क्योंकि English चलेगा। I'm also very nervous. I'm playing this character called Nina Sarogi. She is from Calcutta and Bombay में रहती है, struggling actor है और she wants to become big like any other actor. She wants to be a lead in a film और अपने दोस्तों के साथ वो मिलती है and how एक बहुत ही easy way मिलता है पैसे बनाने का and how they kind of take it up and how things kind of start going wrong. उसके आगे नहीं बता सकती because it's a mystery. So yeah, that's my character and I am very excited because the film's coming out, but I'm also very nervous because it's a very twisted film. It's not a film that जैसे मनीष कहते हैं कि it's not a film कि आप दिमाग घर पे रख के आ सकते हैं. You have to get your brains. You will have to. दिमाग की कसरत है फिल्म. It's for a matured audience, for a evolved audience, I think. I think एक बार नसीरुद्दीन शाह ने बताया था कि he kind of asked Manish that तुम मोमेंटो बना रहे हो लेकिन इंडियन ऑडियंस इज़ नॉट प्रिपेयर्ड फॉर अ फिल्म लाइक दैट. सो मनीष वाज लाइक नो, आई शुड एटलीस्ट वी मेक इट एंड वी होप पीपल विल लाइक इट. सो इट्स एन एक्सपेरिमेंट, इट्स अ लीप ऑफ फेथ वी हैव टेकन. रियली होप पीपल अप्रिशिएट इट, दे लाइक इट एंड दे आर काइंड ऑफ डज वेल. या So hi, my name is Aarushika और मैं एक पुलिस ऑफिसर का किरदार निभा रही हूँ यहाँ पे. हर नेम इज समीरा पाउटे and this is the first time I'm working with Naseer sir. Like I've done my scenes with him, all my scenes are with him, so I am super excited about my character. She is a very strong police officer. She has one mind. उसे पता है कि वो क्या कर रही है लेकिन उसके बावजूद उसको ये प्रूव करना है कि just because वो एक लड़की है और पुलिस ऑफिसर है तो बाकी के लोग उसको दबा नहीं सकते हैं. सो शी टेक्स केयर ऑफ दैट एंड शी टेक्स हर डिसीजन और वो प्रूव करना चाहती है कि अगर उसके हाथ में कल को कोई केस आए तो वो भी उसको अकेले सॉल्व कर सकती है, जो कि एग्जैक्टली इस फिल्म में होता है. ये कैरेक्टर बहुत इम्पॉर्टेंट है फिल्म में, ये बिल्कुल अलग है. देयर इज़ अ ग्रुप ऑफ फ्रेंड एंड देयर इज़ दिस गर्ल हु इज़ प्लेइंग अ कॉप एंड शी इज़ इन्वेस्टिगेटिंग अ केस. डेफिनेटली क्योंकि थ्रिलर है तो केस इन्वेस्टिगेशन हो रही है तो एंड आई एम लाइक और मेरा पूरा ही डी ग्लैमरस लुक है. आई एम विदाउट एनी मेकअप विच वॉज ऑसम. इट वॉज वेरी कम्फर्टेबल शूट फॉर मी. एक पुलिस ऑफिसर के कॉस्ट्यूम में वीक शूट, इट वॉज एब्सोल्युटली गुड एंड समथिंग डिफरेंट ऑफ व्हाट आई हैव डन. सो मुझे बहुत मज़ा आया ये रोल प्ले करने के लिए. थैंक यू सो मच. कि अभी तक तो किसी ने देखी नहीं है पिक्चर. अभी तक तो किसी ने देखी नहीं है पिक्चर. अभी 10 बजे पहला शो स्क्रीन होगा और पब्लिक बताइए हमें कि क्या रिव्यू है. उसके बाद आप ये सवाल पूछ सकते हैं. हाँ, ऑफ कोर्स. या बट टू मच. हां, आपने जिस तरह से कहानी मतलब दर्शाई है तो आपको क्या एक्सपेक्टेशन है? मेरी एक्सपेक्टेशन ये है कि पिक्चर सुपर हिट होगी जो हर डायरेक्टर. या ऑफ कोर्स, सी द थिंग इज दिस कि हमने अपनी मेहनत से जो भी व्हाटएवर हार्ड वर्क दैट वी पुट इन द फिल्म, हम लोगों का एक्सपेक्टेशन ये है कि पीपल विल अप्रिशिएट इट. ऑफ कोर्स यानी कि अब वो पब्लिक डिसाइड करेगी कि उनको पिक्चर कितनी अच्छी लगी, कितनी नहीं लगी, बट वी आर कॉन्फिडेंट अबाउट आवर प्रोडक्ट. हाँ, ये इनकी है. हाँ हाँ हाँ, क्या कहेंगे इस बारे में? नहीं यार, तितली जब रिलीज़ हुई थी तो भी बहुत खुशी हुई थी. अब चार्ली के चक्कर में रिलीज़ हो रही है तो भी बहुत खुशी हो रही है और आई थिंक ये तो होना लाजमी है क्योंकि अगर आपकी फिल्म रिलीज़ होगी तो आपको खुशी होगी. बिकॉज जैसा कि डायरेक्टर साहब ने कहा कि हम लोग बहुत हार्ड वर्क करते हैं, बहुत मेहनत से अपना खून पसीना लगा के एक फिल्म में काम करते हैं. तो जब भी वो रिज़ल्ट बाहर आता है और ऑब्वियसली वो पब्लिक के लिए है, अब पब्लिक के ऊपर है कि उनको कैसी लगती है. बट मुझे दोनों फिल्में रिलीज़ होने की बहुत खुशी है. चार्ली के चक्कर में क्या कहेंगे? कहानी के बारे में क्या कहेंगे? कहानी किस तरह की कहानी है? डायरेक्टर बताएंगे. आइए. हाँ, हाय एवरीवन, दिस इज़ मनीष श्रीवास्तव, डायरेक्टर ऑफ चार्ली के चक्कर में। और अभी मुझसे कहा गया है कि मैं बताऊं कि आप लोगों की इस हमारी कहानी किस तरह की है। जो हमारी टैगलाइन है कि इट इज़ द मोस्ट ट्विस्टेड थ्रिलर ऑफ द ईयर, एनी ईयर। तो ये टैगलाइन शायद आप लोगों को बता दे कि इनकी दिस इज़ एन इन्वेस्टिगेटिव मिस्ट्री थ्रिलर, विच एवर वे यू वॉन्ट टू लुक एट इट। बट बहुत सारे फिल्म मेकर्स एक बात बोलते हैं कि आप हमारी फिल्म देखने आ रहे हैं तो अपना भेजा घर पे छोड़ के आइए। तो मैं आपको सिर्फ ये कहना चाहूँगा कि आप अपना भेजा प्लीज़ घर पे छोड़ के मत आइए, भेजा अपना साथ में ले आइए, क्योंकि उसकी ज़रूरत पड़ेगी आपको ये फिल्म देखने के लिए। दिस इज़ काइंड ऑफ फिल्म जो आपको थोड़ा इन्वॉल्व करती है, तो प्लीज़ ट्राई एंड ब्रिंग द ब्रेन एंड डोंट मिस द फिल्म। प्लीज़ डोंट मिस द स्टार्ट ऑफ फिल्म। और जब आपको एंडिंग पता चल जाए तो प्लीज आप फेसबुक में शेयर मत करेगा प्लीज। और ये आप कभी चार्ली के जैसे आदमी के चक्कर में पड़े हैं, अगर चार्ली के चक्कर में बनाया है तो कम से कम पड़े रहेंगे। कोई ना कोई जो है ना वो किसी ना किसी के चक्कर में जरूर पड़ा है। अब वो चार्ली क्या है फिल्म में, क्या नहीं है, वो तो आप लोगों को देख के समझ में आएगा। बट हम सब किसी न किसी चक्कर में हैं और ये फिल्म भी उसी चक्कर को बताती है। कहानी हम नहीं बता सकते, हम बता देंगे आप पिक्चर के नहीं। कहानी एक चीज़ और बताना चाहूँगा, इन्होंने जैसा बताया कि एक थ्रिलर है, इन्वेस्टिगेटिव थ्रिलर है, थोड़ा ध्यान से देखें क्योंकि कहीं ना कहीं डिटेक्टिव ऑडियंस भी है। मिस्ट्री को सॉल्व करना ऑडियंस के दिमाग में भी ये फिल्म चलेगी। ये बहुत ज़रूरी चीज़ है कि आदमी ध्यान से देखे, ऑडियंस ध्यान से देखे, ताकि उनको खुद सॉल्व करना है प्रॉब्लम कहीं ना कहीं मिस्ट्री को। ये थोड़ी इंटरेक्टिव उन्होंने कहा कि अपना ब्रेन लेके आइए, शायद एक और ब्रेन लेके आना पड़ेगा। तो अपनी गर्लफ्रेंड्स, यू नो, वाइफ्स, अपने बेस्ट दोस्त, अपने सबसे अच्छे पड़ोसी, सबसे अच्छे कॉलीग, किसी न किसी को लेके आइए और भर भर के लेके आइए। लेयर्स अपॉन लेयर्स अपॉन लेयर्स। जी, थैंक यू सो मच।